Now next program, how to inserting a character into a string in a given positions. For example, अगर आपके पास कोई भी string और character array given है with size 10, array का इस केस में size consider करा जाए, given size is 10. इसे इस प्रोग्राम को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम लॉन्च करूंगा, देन डिस्कस करेंगे इट्स लॉजिक्स. लॉजिक डिस्कस करने के बाद फाइनली राइट डाउन करेंगे इट्स सोर्स कोड. इस केस में अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग का मैं एरे साइज कंसीडर करूं एज 10, मींस दिस एरे कंटेनिंग 10 कैरेक्टर्स, मींस इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 10. नेक्स्ट वन, लेकिन इस केस में मींस जस्ट इसका डिक्लेरेशन पार्ट किया लाइक दैट कैर ए of 10 equals to a b c d e. जस्ट इस केस में कैरेक्टर कितने असाइन हुए हैं, 5 कैरेक्टर, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, सी, डी एंड ई. जस्ट परफॉर्म क्या करा है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन. रीजन टोटल कैपेसिटी कितना है 10, लेकिन असाइनमेंट कितने कैरेक्टर्स क्लिक करा है, ओनली 5, तो रिमेनिंग प्लेसेस पर असाइन किया हुआ डिफॉल्ट वैल्यू है नल, रिमेनिंग पोजिशंस आर इनिशियलाइज्ड बाय 0 और वी कैन से नल. नेक्स्ट वन इज द गिवन केस. अगर स्टार से आपके पास कोई एरे गिवन है ए, इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जस्ट इस केस में मुझे परफॉर्म क्या कराना है, इंसर्टिंग अ कैरेक्टर. परफॉर्म क्या कराना है, इंसर्ट ऑपरेशंस. सबसे पहले से इंसर्ट फंक्शन के लिए आइडेंटिफाई करें टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट. सबसे पहले फर्स्ट आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे, वो स्ट्रिंग और एरे पास करेंगे जिस एरे में आप न्यू कैरेक्टर इंसर्ट कराना चाहते हो. देन सबसे पहले मैंने पास क्या किया, एरे और स्ट्रिंग. सेकेंड केस में सप्लाई क्या करेंगे, इंसर्टेड कैरेक्टर, कैरेक्टर समथिंग सी एच. फॉर एग्जाम्पल इस केस में जस्ट फोर्थ इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स में मुझे इंसर्ट किया करना, थर्ड इंडेक्स और मे बी सेकेंड इंडेक्स. इंडेक्स टू के अंदर मुझे असाइन क्या करना, इसके समय इंडेक्स क्या बन जाएगा, जस्ट इंडेक्स आई और वी कैन से पोजिशंस. जनरली देखा जाए तो पोजिशन हमेशा वन से काउंट होते हैं, इंडेक्स जीरो से. अगर आप इंसर्ट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में काउंट कराना चाहते हैं तो यूज क्या करें, लाइक इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to n. देन इसके समय मुझे इंसर्ट क्या करना, न्यू कैरेक्टर एज एक्स. तो सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास किया, इंसर्टेड कैरेक्टर. थर्ड आर्गुमेंट पास क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इंडेक्स, मीन्स जिस इंडेक्स के लिए आपको इंसर्शन परफॉर्म कराना है. इस अभी तक आपने यूज किया था किसी फंक्शन में, या तो सिंगल इनपुट पास किया था, टू इनपुट्स, लेकिन इसके इसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने पास होना, एक्जैक्टली 3. फर्स्ट इनपुट क्या है, एरे. सेकेंड इनपुट इंसर्टेड कैरेक्टर. थर्ड इनपुट इंसर्टेड प्लेस और इंसर्टेड इंडेक्स वैल्यू. या टू को मैं कंसीडर कर रहा हूँ इंडेक्स नॉट अ पोजिशन. अगर इसको इंडेक्स के रिस्पेक्ट में इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली गिवन कैरेक्टर इंडेक्स टू में इंसर्ट कराना है. अगर टू पोजिशन काउंट करते हैं, पोजिशन वन से काउंट होता है 1 2, देन इस केस में इंडेक्स क्या हुआ, मीन्स पोजिशन और इंडेक्स में जस्ट रिलेशन क्या है, पोजिशन इज इक्वेलेंट टू इंडेक्स प्लस 1. मैं यहाँ इंसर्शन इंडेक्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करा रहा हूँ. देन जस्ट जब इंसर्शन परफॉर्म हुआ तो इंसर्शन के रिस्पेक्ट में जैसे इंसर्ट क्या कराना है, कैरेक्टर एस. कैरेक्टर एस किस इंडेक्स में इंसर्ट कराना है, इंडेक्स 2 इन अ गिवन एरे. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर इंडेक्स 2 मीन्स ए ऑफ दिस इज द पोजिशन पी, अगर ए ऑफ पी, पी का वैल्यू का 2 है, देन असाइनमेंट किस में होगा, ए ऑफ 2 में. अगर मैं डायरेक्टली गिवन कैरेक्टर सी एच असाइन करता हूँ, कैरेक्टर क्या इसके इसमें समथिंग एक्स, पोजिशन क्या 2, तो इसके इसमें प्रॉब्लम क्या होना, सी इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाई एक्स. इसके इसमें सी के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ रिप्लेसमेंट ऑपरेशन. लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है, एग्जिस्टिंग कंटेंट्स भी प्लस न्यू कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है. इसके इसमें जस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ सिंपल केस. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ चेयर्स हैं, लाइक चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4 और चेयर 5, लाइक दैट. तो इसके साथ ऑलरेडी कुछ पर्सन्स ऑलरेडी सिटिंग हैं, पर्सन P1, पर्सन P2, पर्सन P3 एंड पर्सन P4. और सडनली कोई न्यू पर्सन आता है लाइक अ पर्सन P5. अब P5 को अगर रिक्वायर्ड प्लेस पर सिट कराना, मे बी पोजिशन 1, मे बी पोजिशन 2, मे बी पोजिशन 3, मे बी पोजिशन 4, मे बी पोजिशन 5. पोजिशन 5 की बात करूँ, 5 ऑलरेडी एम्प्टी हो सकता है आपकी, डायरेक्टली सीटिंग कराना पॉसिबल. लेकिन अगर इस पर्सन को, पर्सन 5 को अगर पोजिशन 3 या थर्ड पोजिशन वाले सीट में, चेयर में अगर सीट कराना, देन इस केस में रिक्वायर्ड क्या हो, सबसे पहले पर्सन 4 को शिफ्ट कहाँ करोगे, ऑन द नेक्स्ट चेयर. सिमिलरली देन पर्सन 4 शिफ्ट होने के बाद ये पोजिशन और चेयर कैसा हुआ, एम्प्टी. देन पर्सन 3 को शिफ्ट कहाँ कराएंगे, ऑन द नेक्स्ट ईयर. देन
पर्सन फाइव को इस चेयर में सीट कराना पॉसिबल है। सेम इन दैट केस अगर आप किसी भी न्यू कैरेक्टर को इंसर्ट कराना चाहते हो तो जैसे गिवन पोजीशन में अगर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर फाउंड हो जाए, एक कैरेक्टर राइट में शिफ्ट होगा, तो शिफ्टिंग किस टाइप से होगा, शिफ्टिंग किस प्लेस उम्मीद से ई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स में। नल का इंसर्ट होगा ऑन द नेक्स्ट पोजिशन, तो नेक्स्ट मीन इस केस में जस्ट स्ट्रिंग के लेंथ की बात करें, इसका लेंथ क्या है, साइज क्या है 10, लेकिन लेंथ क्या है 5, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इस केस में जस्ट जब शिफ्टिंग कराएंगे तो सबसे पहले फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कहाँ सेंड हुआ, इस फिफ्थ क्या लास्ट एलिमेंट क्या है नल, तो नल नेक्स्ट पोजिशन में ट्रांसफर करोगे जो एलिमेंट फिफ्थ प्लेस पर अवेलेबल है, फिफ्थ मीन्स लेंथ, ये फिफ्थ प्लेस वाला एलिमेंट शिफ्ट कम ऑन द सिक्स्थ पोजिशन और सिक्स्थ इंडेक्स। सिमिलरली जो एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स में ये कहाँ शिफ्ट होगा, मीन्स इस प्लेस पर एजिंकल अभी या कोई भी सिम्बॉल है कैरेक्टर अवेलेबल नहीं, तो सबसे पहले शिफ्ट कौन हो रहा है नल, देन अब नल के प्लेस पर कौन आ जाएगा ई, और ई का मीन्स ई किस प्लेस पर कॉपी होगा, फिफ्थ इंडेक्स में, और ई का करेंट पोजिशन क्या है फोर्थ, इज द करेंट इज द न्यू लोकेशन और न्यू इंडेक्स। सेम एज जब ई नल को रिप्लेस करेगा, अब ई का भी पोजिशन लॉजिकली कैसा हुआ एम्प्टी, नाउ ई बिकम्स एम्प्टी, देन अब E के प्लेस पर किसको शिफ्ट करा सकते हैं D को, तो E के प्लेस पर क्या आ जाएगा D, D का करंट पोजीशन क्या है जस्ट 3, ये शिफ्ट किस पोजीशन में हो रहा है ऑन द फोर्थ पोजीशंस। नेक्स्ट वन D E को रिप्लेस करेगा, E ऑलरेडी नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अब आपको शिफ्टिंग किसके लिए कराना है, फाइनली आपको एम्प्टी प्लेस कौन सा चाहिए, गिवन पोजीशन और गिवन इंडेक्स वाली 2, सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस का एलिमेंट जस्ट शिफ्ट कहाँ करा ऑन द नेक्स्ट पोजीशन, मीन्स सी, सी का करंट पोजीशन क्या है 2, प्लस शिफ्ट किस पोजीशन में ऑन द थर्ड पोजीशन, क्लियर। मीन्स अगर इस केस में इस पर्टिकुलर वैल्यू को आई से मैनेज कर दें, जैसे द आई मीन्स आई थी इंडेक्स का एलिमेंट अगर आप शिफ्ट करा रहे हो, तो शिफ्ट किस में हुआ है, मीन्स आई का वैल्यू 5 है, देन आई का जा रहा है 6, मीन्स आई प्लस 1, मीन्स यहाँ असाइनमेंट के बेसिस में होगा, आई थी इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में होगा आई प्लस 1, और आई का इनिशियल वैल्यू फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या आई का चेक कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या 5, विच इज इक्वेलेंट टू लेंथ। तो इस केस में जस्ट शिफ्टिंग जब परफॉर्म कराएं तो उसके लिए मैं फाइनली कोड राइट डाउन कर रहा हूँ कोड के रिस्पेक्ट में, मीन्स जस्ट डी के प्लेस पर रिप्लेस कौन हो चुका है लास्ट केस में, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी कहाँ हो चुका है थर्ड इंडेक्स में सी, देन आप सी का करंट प्लेस लॉजिकली आप कंसीडर करोगे एम्प्टी प्लेस, देन जस्ट इस शिफ्टिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद डायरेक्टली ए ऑफ पी, पी मीन्स दिस पोजिशन वैल्यू डायरेक्टली आप प्लेस सेकेंड इंडेक्स में कॉपी क्या करा सकते हो गिविन कैरेक्टर एक्स, तो इस प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट न्यू कैरेक्टर एज एक्स, इस टाइप से न्यू कैरेक्टर को लॉजिकली इंसर्ट कराना पॉसिबल है, क्लियर। नेक्स्ट इस केस में जैसा मैं इसके लिए सोर्स कोड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो सोर्स कोड के रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या करेंगे फंक्शन एज void insert, void insert, तो insert के रिस्पेक्ट में टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, फर्स्ट इनपुट में पास क्या रहा है कैरेक्टर एरे, इसलिए आर्गुमेंट टाइप क्या लोग कैर स्टार ए, सेकेंड आर्गुमेंट पास क्या रहा है सिंगल कैरेक्टर, देयरफॉर वी आर टेकिंग एज कैर सी एच, थर्ड आर्गुमेंट में पास क्या रहा है इंडेक्स और इंट इंडेक्स, और वी कैन से सिंपली ऑफसेट, इंडेक्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ जस्ट ऑफसेट वैल्यू। नेक्स्ट दिस इज द डिक्लेरेशन और रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन फॉर गिवन इंसर्ट ऑपरेशन, लेकिन इस केस में चेक करो अगर स्ट्रिंग गिवन टाइप से है, वन मोर थिंग्स याद रखना है स्ट्रिंग के अंदर अगर आप न्यू कैरेक्टर इंसर्ट करने जाते हैं ना स्ट्रिंग का साइज कैसा होना चाहिए, इस अगर एग्जिस्टिंग 5 कैरेक्टर है देन इसके लिए कहीं ना कहीं एम्प्टी प्लेस होना चाहिए, देन ये ऑपरेशन कैसे होंगे वैलिड, लेकिन एम्प्टी है कि नहीं इसके जस्ट बाद और है या नहीं है डेनमेंट मीस, इसके लिए आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, आपको सिंपली चेक क्या करना है जो भी पोजिशन और इंडेक्स वैल्यू पास हुआ इंडेक्स वैलिड है या इनवैलिड है, तो इस केस में वैलिड और इनवैलिड इंडेक्स चेक करना है, तो अभी तक वैलिड और इनवैलिड इंडेक्स कहाँ तक होंगे फ्रॉम 0 टू अप टू नल और मीन्स बिफोर दैट मीन्स बिफोर इंसर्ट ऑपरेशन जस्ट कैरेक्टर्स के पोजिशन क्या थे लाइक दैट ए बी सी डी ई एंड नल, तो इस केस में वैलिड पोजिशन क्या होंगे 0 टू नल, क्लियर। रिमेनिंग प्लेस कैसे हैं रिजर्व्ड हैं लेकिन इस प्लेस पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हुआ, तो इस केस में जस्ट जब भी इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ लेंथ, क्योंकि सारे ऑपरेशन लेंथ के बेसिस पर परफॉर्म कराना, तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जैसे इटरेटिव वैल्यू मैंने क्रिएट किया आई जिसके थ्रू इंडेक्स को मैनेज कराएंगे और क्या लेंथ, लेंथ में डायरेक्टली आसान क्या कराएंगे लेंथ ऑफ गिवन एरे, तो लेंथ को आप कैलकुलेट करने के लिए आप खुद के भी लॉजिक्स राइट डाउन कर सकते हो या फिर रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हैं एस टी आर एल एन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन,
प्लस लेंथ कैलकुलेट कैसे करना है इसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लेंथ कैलकुलेट खुद से करना चाहते हो तो यूज़ किया कर सकते हो इस केस में फोर लूप लाइक दैट। अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं था आप सिंपली यूज करो इसके इसमें लेंथ इक्वल्स टू जीरो लूप कब तक चलाएंगे जब तक ए ऑफ लेंथ का वैल्यू नल नहीं हो जाता। देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराएंगे लेंथ प्लस प्लस जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो लेंथ के अंदर फाउंड क्या हो जस्ट लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। क्लियर। नेक्स्ट वन लेंथ कैलकुलेट करने के बाद फाइनली से ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग लेंथ में क्या आसान हो जाएगा जस्ट वैल्यू एज 5। नेक्स्ट ऑपरेशन आपको स्ट्रिंग अब शुरू से लेकर लास्ट तक ट्रेवर्स नहीं करना स्ट्रिंग को जस्ट ऑपरेट कैसे करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जो भी नल का पोजिशन होगा नल का इंडेक्स अवेलेबल किसके पास है लेंथ के पास। तो आप वो ऑपरेशन स्टार्ट कहाँ से कराओ लेंथ ऑन बोर्ड। तो इस केस में नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म कराएंगे शिफ्टिंग की केस में शिफ्टिंग किसके रिस्पेक्ट में आई के रिस्पेक्ट में। तो ऑपरेशन शिफ्टिंग के लिए जस्ट लॉजिक क्या होगा फोर लूप आई का इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे लेंथ प्लस ये लूप कब तक चलाना है इस केस में आपने देखा था प्रीवियस केस में इंडेक्स के पास किया था मैंने इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट किससे हो रहा है वेरिएबल ऑफसेट। तो प्रीवियस केस में ऑफसेट वैल्यू क्या था ऑफसेट वैल्यू इज 2। जब ऑफसेट वैल्यू 2 था तो इस केस में शिफ्टिंग कहाँ तक हुआ था अप टू टू। मीन से लॉजिक कब तक चलाना शिफ्टिंग कब तक कराना जब तक आई का वैल्यू ऑफसेट के बराबर है या ऑफसेट से बड़ा है ऑफसेट या लेंथी नेम हो रहा है इसलिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट इंडेक्स और पोजिशन पी पी से रेफर कर लेते हैं इसको। देन इस केस में से लूप कब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू पी से बड़ा है। देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस। वन मोर थिंग्स इस केस में सबसे पहले आपको एक फिल्टर अप्लाई करना होगा सपोज दैट पोजीशन इस केस में मैंने पास किया जाए 50 तो 50 वैलिड पोजीशन है इनवैलिड इनवैलिड पोजीशन क्या वैलिड पोजीशन क्या हुआ फ्रॉम जीरो टू लेंथ। तो सबसे पहले आप इस केस में चेक करोगे पोजीशंस तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन ऑनली आपको इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना। तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा इफ पोजीशन वैलिड पोजीशन क्या होगा ग्रेट इसका इंडेक्स क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा देन पी कैसा है वैलिड पोजिशन अगर वैलिड पोजिशन को रिप्रेजेंट करा देना आपके लिए शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कराना पॉसिबल है। लेकिन जब शिफ्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो शिफ्टिंग के केस में जस्ट रिक्वायर्ड क्या होगा लूप लूप के केस में मैनेज कैसे कराएंगे आई से तो आई का इनिशियल वैल्यू क्या यूज कराएंगे या आई की जरूरत नहीं या फिर आप चाहो तो या लेंथ के प्लेस पर डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो आई करंटली आई इटसेल्फ क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर। तो आई के पास ऑलरेडी लेंथ अवेलेबल है देन डायरेक्टली कंडीशंस इसे लूप कब तक चलाना है शिफ्टिंग कब तक कराना है जब तक आई का वैल्यू गिवन पोजीशन के या तो बराबर है या पोजीशन से बड़ा है। देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई माइनस माइनस क्योंकि आई में असाइन क्या हो रहा 5 आई का वैल्यू क्या इनिशियल 5 अकॉर्डिंग टू लेंथ। देन पहले 5 आएगा देन नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो रहा 4 नेक्स्ट टाइम 3 नेक्स्ट टाइम 2 और पोजीशन भी क्या पास किया ऑल्सो 2। तो ये कब तक चला जब तक आई का वैल्यू पोजीशन से बड़ा है या पोजीशन के इक्वल है। क्लियर। दिस द कंडीशंस। नेक्स्ट वन जब ये लूप चलेगा तो एवरी टाइम इसके अकॉर्डिंग जस्ट एलिमेंट किस में असाइन होगा एरे ए के अंदर किस प्लेस पर आई प्लस वन में असाइन क्या कराओगे वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। देन फाइनली असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही इस केस में शिफ्टिंग परफॉर्म तो शिफ्टिंग के जस्ट बाद फाइनली ये सेकेंड प्लेस कैसा हो जाता है एम्प्टी। लेकिन इस केस में जस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल कहाँ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप लूप के बाहर जस्ट आप डायरेक्टली असाइन क्या कर सकते हो ए ऑफ विच पोजिशन असाइनमेंट कहाँ कराना है गिवन पोजिशन पी ए ऑफ पी इक्वल्स टू इस आप शेयर अगर इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड पोजिशन एम्प्टी हो चुका है रिक्वायर्ड पोजिशन एम्प्टी हो चुका है इस पोजिशन में डायरेक्टली असाइन क्या कराएंगे कैरेक्टर सी एच देन क्लोज दिस इफ कंडीशन। और ये कंडीशन फॉल्स है पोजिशन देन इसके इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं या तो पोजिशन वाली निगेटिव है लेंथ से बड़ा है देन उसके इसमें एस ब्लॉक में आप एरर मैसेज या वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो पुट्स इनवैलिड पोजिशन वैल्यू और इनवैलिड इंडेक्स और पोजिशन। क्लियर लाइक दैट देन क्लोजिंग दिस रिक्वायर्ड फंक्शन। फाइनली टेस्ट करने के लिए जस्ट अप्लाई क्या करेंगे मेन फंक्शन वॉइड मेन
क्रिएट इस केस में जस्ट इनपुट मीन्स मैन में सेकंड प्लेस पर क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैन के लिए काफ़ी स्पेस रिक्वायर्ड हुआ। फाइनली इस केस में जैसे जब इंसर्ट फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करेंगे तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, 3 इनपुट्स, एरे, कैरेक्टर और पोजीशन। तो इस केस में 3 इनपुट्स को कीबोर्ड से रीड करने के लिए सबसे पहले 3 वेरिएबल्स क्रिएट कराएंगे। वॉइड मेन, इनपुट्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने होना चाहिए, 3, कैर एरे ए विथ साइज 100, देन कैरेक्टर वेरिएबल सी एच, देन इंटीजर वेरिएबल पोजीशन पी। तो टोटल इसके इसमें वैल्यू कितने रीड कराना, 3। सबसे पहले मैं रीड क्या कर रहा हूँ, गेट्स एरे ए और स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम मैंने रीड डाउन किया सी एच इक्वल्स टू गेट कैर, गेट कैर फंक्शन से रीड किया हुआ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ कीबोर्ड, गेट कैर, गेट कैर के बाद कैरेक्टर तो रीड हो जाएगा लेकिन बफर में फाउंड क्या हुआ, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो उसको फ्लश कराने के लिए यूज़ क्या करेंगे, फ्लश ऑल और एफ फ्लश सप्लाइड बाई एस टी डी, या तो आप फ्लश ऑल कर सकते, कॉल कर सकते या फिर एफ फ्लश एस टी डी इन। इस केस में दोनों के मीनिंग कैसे होंगे, ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइम रीड क्या कराना है, इंटीजर मीन्स पोजीशन, पोजीशन को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ पी। फाइनली कॉल क्या कर सकते हैं इस केस में, इंसर्ट फंक्शन इंसर्ट एरे ए कैरेक्टर सी एच पोजिशन पी, देन इसके इंसर्ट के बाद आप चाहो तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हैं यूजिंग पुट्स फंक्शन पुट्स ए, क्लोज दिस मेन फंक्शन। इस लॉजिक्स के थ्रू गिवन इंटीजर कैरेक्टर एरे के अंदर स्ट्रिंग के अंदर रिक्वायर्ड पोजिशन में न्यू कैरेक्टर इंसर्ट कराना पॉसिबल है। इंसर्ट कराने के लिए लूप के थ्रू अगेन चेक कर सकते हैं एक बार, इसे इंसर्ट ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट हो, नल के पोजिशन से, नल का पोजिशन और स्ट्रिंग का लेंथ क्या हुआ, ऑलवेज सेम। तो सबसे पहले आई में क्या किया, पोजिशन ऑफ नल, देन नल कहाँ ट्रांसफर होगा ऑन द नेक्स्ट पोजिशन, पहले आप चेक क्या करो मीन से पर्टिकुलर गिवन पोजिशन वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो वैलिड होने के केस में पोजिशन के लिए कंडीशन क्या हुआ, पोजिशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, मीन पोजिशन मीन इंडेक्स। तो वैलिड इंडेक्स क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ, लेंथ से छोटा हुआ, लेंथ के इक्वल हुआ। देन एवरी टाइम, देन एलिमेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराने के लिए मैं सबसे पहले गिवन पोजिशन आपको एम्प्टी बनाना होगा। एम्प्टी बनाने के लिए जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कराओगे तो शिफ्टिंग कराने के लिए प्रोवाइड किया गया गिवन लूप। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो मैं सारे एलिमेंट राइट पोजिशन में ट्रांसफर हो चुका हूँ, करंट पोजिशन लॉजिकली कैसा हो चुका है, एम्प्टी। देन इस करंट पोजिशन में रिक्वायर्ड कैरेक्टर डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल है। अगर आप इस लूप को अप्लाई नहीं करते हो देन उस केस में इंसर्शन तब भी होगा लेकिन इस केस में परफॉर्म किया हुआ रिप्लेसमेंट, मीन्स इस केस में रिक्वायर्ड मीन्स एग्जिस्टिंग कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन इस केस में रिप्लेसमेंट ना हो गया, न्यू कैरेक्टर ऐड हो रहा है, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए देन न्यू कैरेक्टर ऐड हो जाए, क्लियर।